चांदी से बनाई हुई है। अच्छा अच्छा ये अच्छा चांदी में कैमरा हाँ करके दिखा। सरजमीन बरार को कुदरत ने हर एतबार से नवाजा है, इस पर बुजुर्गान दीन की आमद ने चार चांद लगाए हैं। हमारे खित्ते बरार में बड़ी बड़ी हस्तियां हुई जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में मुल्क को वो कौम की खिदमत की और इलाके बरार का नाम रोशन किया। एक ऐसी ही शख्सियत है, चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तमाम देखने वालों को इतिहास की गुंती टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मेरा नाम दानिश है। जैसे आप जानते हैं मैं खित्ते बालापुर की सरजमीन पर जितने भी बुजुर्गान दीन आराम फरमा है मैंने एक एक एपिसोड कवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ में इस साल भी हज़रत मौलाना मौलवी सिद्दीक़ कादरी शतारी रहमतुल्लाह के आस्थाने पर हाजिरी हुई है। यहाँ पर मैं एक मकसद से आया हूँ कि जो इंतज़ाम होते हैं, जैसे कि उर्स के अंदर बहुत सारे इंतज़ाम करने होते हैं, तो हम गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, आप तक एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ में यहाँ के खादिमीन मौजूद हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जैसे हम इस कैंपस के अंदर पहले थोड़ी सी मुख्तसर जो देखने वाले नए व्यूअर्स हैं उनको तारीख बताएंगे, हज़रत का तारुफ करवाइए जहाँ पर गुम्बद में चल गए। जी आप चलिए मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। हमारे सरकार हज़रत सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके वालिद साहब का नाम सैयद हाशमी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और आपके दादा जान का नाम सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। सरकार के पीर मुर्शिद मौलाना मौली मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह के पीर मुर्शिद हज़रत सैयद शाह सूफी अली कलंदर अली शाह हुसैनी अलवी कादिर शतई रहमतुल्लाह जो नांदो शरीफ में आराम फरमाए और आपके पीर भाई सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह जो नागपुर शरीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह साहेब हमारे 14 जबानों के आलिम हैं बेशक। जैसे यहाँ पर मैं हजरत के जो विसाल को कितने साल हो गए? हाँ देखिए हमारे साहेब को समझ लो ये जो संदल मुबारक है। अच्छा। ये 95 संदल मुबारक। अच्छा 95 संदल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो संदल 95 साल से मतलब जो निकला चला रहा है तो वो कहाँ से निकला चला रहा है? ये लाला साहेब की जो खानका शरीफ है। अच्छा। जो आज सरम के नाम से पहचानी जाती है। अच्छा, अच्छा। लाला साहेब के घर से समझ लो। अच्छा। वहाँ से संदल शरीफ निकलता है। अच्छा। और पूरा शहर का गश्त करता हुआ सूफी दरबार पे यहाँ पर आता है। तो इसके जो इंतजाम होते हैं तो जो इसके सबसे बड़े जिनको अपन अध्यक्ष बोलेंगे तो वो हजरत कौन है? जी बिल्कुल, ये हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक साहब आप यहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने सबने हमारे छोटे भाई के गुफ्तगू की है और सरकार के बारे में थोड़ी मुख्तसरी मालूमात हासिल की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज सरकार का जो उर्स ये साल होने वाला है असल में ये 95 उर्स मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ी शान शौकत से आपने पूरे बालापुर के अंदर मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन इस संदल में हाजिर होते हैं। ये जो संदल मुबारक के हमारे जो संदल मुबारक के अंदर जो ज़ायरीन आती है वो नागपुर वर्धा कोंडाली काटोल और गुजरात अहमदाबाद और महाराष्ट्र के तकरीबन बहुत सारे ज़िलों से ज़ायरीन यहाँ पर अपने खराज अकदत पेश करने आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जो इंतज़ाम वगैरह जो है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है और जिस हर साल की तरह जो हमारे लाला साहब की जो खानका है जहाँ हमारे लाला साहब हजरत रहा करते थे वहाँ से वो संदल मुबारक निकलता है और पूरा बालापुर का गश्त करता हुआ दरबार शहर में पहुँचता है। आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे मुझसे? और जो एक लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है
जैसे कि उर्स के अंदर जो खुराफाती काम होते हैं उनके लिए आप एक नसीहत कर दीजिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो उर्स का मौका होता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उसके अंदर गैर शरी काम ना किया जाए। जैसे आजकल देखा जा रहा है लोग उर्स के अंदर असल में दारू पीकर आ जाते हैं, अल्कोहल पीकर आ जाते हैं और तरह तरह के तमाशे करते हैं, जिसकी वजह से है ना अपने मुसलमानों लोग का नाम भी ख़राब होता है। अदब से आए और अदब से संदल में हाजिर रहे और अदब के साथ में चले और साहब के संदल में अदब के साथ में संदल पेश करें। मैं आप यहाँ पर हमें लिखा नज़र आ रहा है, बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बदनसीब होता है। तो ये अली अल्लाह की मज़ार है, यहाँ पर मैं अकीदत के साथ अदब के साथ आइए, उसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 दिन का इंतज़ाम रहता है पूरा और ज़ायरीन तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते से आना चालू हो जाते हैं। असल में हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम रहता है और गुजरात और महाराष्ट्र के कई ज़िलों से, नागपुर का कोंडाली काटोल और हर ज़िले से, तकरीबन ज़िले से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और 7 दिन 5 दिन 3 दिन पूरा स्टे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा इंतज़ाम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेहमान यहाँ पर जो 3 दिन का जो प्रोग्राम रहता है असल में, पहले दिन जो संदल मुबारक रहता है उसके अंदर संदल खानका शरीफ से गश करता हुआ पूरे बालापुर में गश करता है और दरबार में पेश होता है असल में। दूसरे दिन उर्स मुबारक रहता है असल में, इसके अंदर लंगर सरकार का नाम से लंगर लुटाया जाता है और रात में महफिल समा का और कवाली वगैरह का इंतज़ाम रहता है। और तीसरे दिन जो खासकर ये साल प्रोग्राम रखा गया है असल में फातिहा खाने के दिन, हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी जो हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं अल्लामा रिजवान कादरी शत्तारी मद्दज़िल्लाह नूरानी, ये तशरीफ़ ला रहे हैं जिनका बयान हमने फातिहा खाने के दिन रखा गया है। आप बयान कहाँ पे रखा गया है? ये दरबार के अंदर ही रखा गया है, फातिहा खाने से पहले ही बयान आपका शुरू हो जाएगा और आप तमाम हजरत से गुजारिश है कि फातिहा खाने के अंदर भी पहुँची है और हजरत का बयान भी समाप्त फरमाएं और सौबेदारन हासिल करें। अभी संदल कितनावा मनाया जा रहा है? ये 95वां संदल शरीफ है। अच्छा जी, 95 साल से यहाँ पे खिदमत कौन कर रहा है? 95 साल से हमारे साहब की खिदमत जो हो रही है, समझ लो तो सैयद मोहम्मद उर्फ लाला साहब रहमतुल्लाह। अच्छा। जो साहब के मुरीद खास है। अच्छा। आपने ही ये सारा दरबार सजाया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मेहंदी के दरख्त दिख रहे हैं, ये जितनी भी दरख्त है सब आपके ही हाथ के हैं। अच्छा। और आप ही साहब की खिदमत कर रहे हैं और आप ही संदल और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप ही देखा करते थे। अच्छा। फिर बाद में हमारे सैयद मोहम्मद नूर लाला साहब रहमतुल्लाह के मुरीद खास। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बुश नाचीज के वालिद मोहतरम अलहाज गुलाम सूफी साहब, जो सूफी दरबार के सज्जादा नशीन है। हजरत आप यहाँ पर मैं कितने साल से खिदमत कर रहे हैं? कम से कम 50 साल। अच्छा, 50 साल से। हाँ। आप खिदमत कर रहे हैं। हाँ, 50 साल से आप खिदमत। हाँ। कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जैसे आपने देखा है कि अपने ज़िंदगी के 50 साल एक बुजुर्गान दीन औली अल्लाह की इसमें आपने वक्फ किए, जो अल्लाह के वलियों की जो खिदमत अंजाम करता है, ये नस्बत वालों को और किस्मत वालों को ही मौका मिलता है। जैसे अभी हमने यहाँ के जो इंतज़ाम अभी तो हजरत कर ही रहे यहाँ पर में है और इनके बाद में जिन जिम्मेदारी है तो यहाँ के इन्हीं के फर्जन से हम गुफ्तगु कर रहे थे और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। जैसे हम गुम्बद के अंदर जो जो चीज़ें देख रहे हैं, हमारी जहाँ नज़र पड़ रही है, वैसे वैसे मैं आपको तारीफ करवा रहा हूँ। अभी मेरी नज़र गई यहाँ पर, मैं लिखा है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, जैसे चारों खलीफाओं के नाम टाइल्स के अंदर बहुत खूबसूरत लिखे गए हैं। और यहाँ पर मैं हमें इस वीडियो के अंदर हमारे साथ में मोहम्मद खालिद कादरी शत्तारी साहब मौजूद हैं, जो इस गुम्बद का हमें तारुफ करवा रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, हमारे सबसे पहले तस्वीर यहाँ पर में है, इसके ताल्लुक से खालिद साहब बताएंगे। तो ये कौन है? हाँ, ये
मौलाना मौली मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी अलवी कादरी शता रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद खास सैयद मोहम्मद नूर और फलाला साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपकी मज़ार मुबारक लेफ्ट साइड में आते वक्त लेफ्ट साइड में मुजरद आप मुजरद है, आपने शादी नहीं की, सिर्फ अपने साहिब खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की विसाल कब हुई? 1982 में आपका विसाल हुआ। मौलाना मौली मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी अलवी कादरी शता रहमतुल्लाह अलैह के 6 फर्जंद हैं और 6 के 6 फर्जंद अल्लाह के वली है, सुभान माशाल्लाह। और सबसे छोटे फर्जंद सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी अलवी कादरी शता रहमतुल्लाह अलैह, ये सबसे छोटे फर्जंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मालिक का। ये मेरे पीरो मुर्शिद है। और उसके ऊपर अगर यहाँ पर एक खूबसूरत आलीशान सा झूमर लगाया गया है जो गोल गोल घूम रहा है, और इसके अंदर जो डायमंड लगे हैं, इसके अंदर कुछ रोशनी के लिए लाइट भी लगाई गई है। बहुत खूबसूरत आलीशान सा ये झूमर बनाया गया है। और जैसे जैसे हम इस प्रेमिसेस को देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर में उर्दू ज़बान में लिखा हुआ सबसे पहले शाह सूफ़ी अली मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए ये मखमल का है और मोतियों से इसके लिए इसके काम किया गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा ऊपर गुम्बद दिखाएं। देखिए अभी तो फ़िलहाल माशाल्लाह खूबसूरत सी इसके अंदर लाइटिंग लगाई गई है जो इसकी शान और शोभा को बहुत खूबसूरत बढ़ाती है। दिखा नज़र आ रहा है, कलमात लिखे हुए नज़र आते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अरे मेरे हज़रत आरिफ कामिल शाह मौलाना मौली सूफ़ी अली मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी अलवी कादरी शत्तारी सरा अल्जाज लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे साथ में इस वीडियो के अंदर मोहम्मद खालिद साहब बने हैं, कुछ तारुफ करवाएंगे। चलिए देखें, जैसे कि यहाँ पर ये तख्ती लिखी है इसके तालुक से बनाइए नाम, ये हाँ ये हमारे साहब के नाम से लिखी हुई है, चांदी से बनाई हुई है। अच्छा हज़रत शाह सूफ़ी अली मौलाना मौलवी मोहम्मद सिद्दीक हुसैनी अलवी कादरी शता रहमतुल्लाह अलैह जी। शजरा लिखा गया है, बाग के शजरा पर आने का दर वापस आए कुन माहम बाती ने वाहिर इलाही बहर बरहमत ऐन हवा। देखिए फारसी ज़बान के अंदर ये लिखा गया है और हमने इस प्रेमिसेस के अंदर सारे गुम्बद का जायज़ा लिया है।